हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जसल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हो, हमने पिछले वीडियो में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली क्वार्टाइल के बेस होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल जसल मैनेजमेंट कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि कि हमारे ये लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्क्यूनेस क्या होती है और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, ये हमने न्यूमेरिकल लिया है आज। ये जो बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ना, ये दोस्तों क्वार्टाइल के बेस्ड है। जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी हमारे पास डाटा है, ठीक है, क्वार्टाइल हम किसको बोलते हैं, जब उसको हम इक्वल टू चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये देखिए क्वार्टाइल वन इट मीन्स के क्यू वन, क्वार्टाइल थ्री इट मीन्स के क्वार्टाइल थ्री, मीडियन जो सेंटर पे आता है, ठीक है, जिसको हम क्वार्टाइल टू भी बोल देते हैं और मीडियन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बोले कोफिशिएंट है ना, ये दो क्वार्टाइल के बीच का रिलेशन बता रहा है। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम अपना जो स्क्यूनेस का कोफिशिएंट है वो हम निकाल लेंगे इन दोनों के ऊपर। ठीक है, अगर हमको बोले कोफिशिएंट आ जाए तो हम उसका जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले क्या पड़ेगी, क्वार्टाइल वन, क्वार्टाइल थ्री एंड मीडियन। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये तीन चीज़ों के फार्मूले लगेंगे, लगने के बाद हम उसको क्या, जस्ट एक जो हमारे फार्मूला है उसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल। दोस्तों, कि जैसा ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमको एक क्लास इंटरवल दी हुई है और हमको आगे कुछ भी लिखा हो जा आ सकता है कि नंबर ऑफ पर्सनस हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी आ सकता है, या फिर हमको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ जाएगा कि हम जे इनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी क्लास इंटरवल दी रहेगी हम वो लिखेंगे और उसके बाद जो हमारे पास इसमें दिया रहेगा फ्रिक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कुछ नहीं निकालना। ठीक है, इसलिए हमको ये मिड पॉइंट की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पहले हम क्लास इंटरवल निकालेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद हम इसका क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा आपको हमने पीछे बताया है, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पहले हम डाटा लिख लेते हैं, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 10, 18, 20, 26, 30, 28 और 18। ठीक है दोस्तों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, जो फर्स्ट वाला एज इट इज़, सेकंड वाला इसके अंदर प्लस कर देना। ठीक है, 10 और 18 कितना बन गया अपना 28, 28 और 20 48, 48 और 26 कितना बन गया हमारा, ये बन जाएगा 74। ठीक है, 74 के बीच 30 जोड़ दिए, ये तो डायरेक्टली 104 बन गया, 104 के बीच 28 कर दिए, 8 4 12, वहाँ से आ गया कि 2 3 और 1 4 142, सॉरी 132, 132। ठीक है, और इसके अंदर 18 जोड़ दिए तो 40 और 150। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इसका आ गया 150, ये हमारे आगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्या किया इसको एज इट इज और इसके अंदर ये जोड़ दिया। ठीक है, 10 और 18, अभी ये 28 है, 28 और 20 इसके अंदर ये जोड़ दिया। ठीक है, 48, 48 इसके अंदर जोड़ दिया। ठीक है, 30, 74 इसके अंदर जोड़ दिया तो हमारा जी आ जाएगा, जैसे जे वाला आता है। ठीक है ना, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। दोस्तों, अभी हमने क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो मिड की वैल्यू होती है। ठीक है, मिड की वैल्यू हमको कैसे पता चलेगी, मीडियन जो भी हमारा एन आता है डिवाइड बाई टू,
ठीक है दोस्तों, पहले काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर हमारे पास 7 आ रहे हैं, इसका मींस के जो जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वही मीडियन के ऊपर आएगी, ठीक है ना। ये ऑड सीरीज है, ऑड सीरीज में डायरेक्ट होता है, ठीक है। अभी कितने हैं टोटल, जो कितना है 150, 150 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, 75, ठीक है। 75th आइटम वो कहाँ पे लाइज करती है, जी देखिए सेंटर वाला जी आ गया, इससे थोड़ा आगे है लेकिन इससे कम है ना, तो जी हमारा क्या हो जाएगा, जे वाला जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जे वाला नहीं, ठीक है। जे वाला अभी इसके अंदर हमारी वो सभी मीडियन की वैल्यू आएगी, ठीक है। मीडियन जो हमारा 500 से 600 के बीच बीच में लाइज करेगा, इससे हमको जे पता चल गया, ठीक है। जब हम इसको देखेंगे तो हमारा वो का मीडियन का क्या फार्मूला था, मीडियन का इधर ही सॉल्व कर देते हैं, मीडियन का, ठीक है। मीडियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम के साथ, ठीक है। L1 माइनस एम माइनस सी अपॉन एफ, ये हमने पीछे न्यूमेरिकल जो किया था उसमें देखा था। L2 माइनस L1, ये हमने मीडियन का पूरा देखा था, ठीक है। अगर आपने वो अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा तो कृपया एक बार उसको भी जरूर देखिएगा। अब इसमें L1 क्या आ गया, जो लोअर लिमिट है ये वाली 500, L2 क्या है जो बड़े वाली लिमिट है, ठीक है। एम एम इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये जो 75 आया हुआ है ना, ये हमारा एम है, ठीक है। इधर आपको लिख लेता है हम सभी, L1 जो हमारा आ गया वो 500 आ जाएगा, L2 हमारा क्या आ जाएगा 600, ठीक है। जो हमारे पास एम है वो एम आ जाएगी 75, और हमारे पास सी सी कौन सी आएगी, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी आएगी, जो उसके जस्ट बिलो वाली है, ठीक है। 75th आइटम थी, उसके पहले कौन सी थी, 74 तक, ठीक है। जो 74 हमारी आ जाएगी, और जो एफ एफ मीन्स की हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी हमारी 30 आ जाएगी, ठीक है। हम इनको सभी जो वैल्यू है फार्मूले के अंदर रख देंगे तो हमारे पास जो है मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 500, ठीक है, 500 के अंदर, सॉरी दोस्तों इधर प्लस है, ठीक है ना, फिर ये तो 500 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। इधर 500 है, प्लस है, ठीक है। एम हमारे पास क्या है, 75 माइनस सी, सी कौन सा है, 74 डिवाइड बाय क्या है 30, और मल्टीप्लाई बाय जो दोनों का डिफरेंस कितना है 100 का, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 जमा इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा, और ये हमारा 100 डिवाइड बाय 30, ठीक है। 75 माइनस 74 कर दिया तो हमारे पास 1 रह गया, ठीक है। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही रह जाएगा, इसको हम जब काट दिया तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 जमा 10/3। जब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 503.333, ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मीडियन की। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 इन दोनों का क्या क्या आंसर आता है, ठीक है। सबसे हम पहले लोअर क्वार्टाइल देखेंगे, लोअर लोअर कौन सा है हमारा, जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक है, Q1। Q1 हमको कैसे पता चलेगा, Q1 की जस्ट होता है जो भी हमारे नंबर होते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड बाय हम 4 से कर देते हैं, जो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, इसके साथ वो नंबर लगता है ना, अगर तीन तीन नंबर निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास नंबर कितना है टोटल, जो देखा जाए 1 गुना टोटल 150 है ना, 150/4, ये वाला नंबर टोटल 150/4। जब हम इसको हम कटिंग करेंगे, कटिंग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 37.5th आइटम, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको क्वार्टल के फार्मूले के अंदर फिल अप करेंगे, वो क्वार्टल 1 का फार्मूला क्या होता है, जैसे इसका होता है L1 प्लस NY4 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय आई, जस्ट चेंज क्या हो गया, जे वाला, ठीक है। और बाकी सारा फार्मूला एज इट इज है, एज मीडियन पे जहाँ क्या था, एम था, अभी इधर क्वार्टाइल में क्या है, N/4 है, ठीक है। अब इसके हम देखेंगे 37.5th आइटम है, वो कहाँ पे लाइज करता है, ये देखिए वो करता है ये 300 वाले के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो 28 से ज़्यादा है लेकिन 48 से कम है, तो हमारा वो कौन सा आएगा, जे वाला आ जाएगा, ठीक है। और इसमें L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300, L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400,
ठीक है दोस्तों, आई क्या है, आई दोनों का डिफरेंस है, आई दोनों का डिफरेंस क्या है, 100। ठीक है, ये हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा। एन आप जानते हो 150 है, ठीक है, और सी कौन सी है जो 28 आ जाएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो जस्ट उसके बिलो वाली होती है, ठीक है, और एफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ये वाला है तो 20 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम सभी वैल्यू इसके अंदर फिलअप करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर आ गया, 300 प्लस n/4, n हमारे पास कितना आएगा, n/4 का वैल्यू जी हमने सीधा ले लिया था 37.5 माइनस सी, सी क्या है 28, डिवाइड बाय फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, और मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको सोल्व करेंगे 37.5 माइनस 28, ये क्या 9.5 डिवाइड बाई 20, 20 करेंगे तो 0.475, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ 4.75, ये हमारा क्या आ जाएगा 300 जमा, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई लग रही है मेरे को, 37.5 माइनस 28 डिवाइड बाई 20। दोस्तों यहाँ पे 100 है, ठीक है, आई क्या वैल्यू 100 आया था, तो यहाँ पे 100 आना, 100 कर दिया, जे हमारा क्या आ गया 47.5। तो हमारे पास क्या आ गया, क्वार्टाइल वन की वैल्यू जहाँ पे लिख लेते हैं 347.5। ठीक है दोस्तों, अभी हम ऐसे निकालेंगे क्वार्टाइल थ्री, क्वार्टाइल थ्री का हमारे पास क्या फार्मूला था, जो हमारी लोअर लिमिट है प्लस 3 टाइम n/4 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय जो हमारा l2 माइनस l1 था, जिसको हमने क्या बोला था i, ठीक है, ये l1 इधर है, ठीक है, l1 इधर है, क्या थ्री ये वाला हो जाएगा, ठीक है, वो लिखने में थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तो हम पहले क्या चेक करेंगे, हमारा कौन से ये आइटम ठीक है, कौन सी आइटम है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3n/4 वो क्या आ जाएगा 3 × 150/4। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 150/4, तो ये आ जाएगा 112.5। ठीक है, 112.5, अभी हम देखेंगे 112.5 कहाँ पे आता है, ये देखिए 104, ये है 132। ठीक है, 104 और यहाँ पे 132 है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो वो होएगा वो 600 वाला जो है, 600 से 700 वाला इस पे होएगा एक्सेप्ट। ठीक है, जब हम इस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L1, L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, आपको भी दिखने में थोड़ा सही रहेगा, जो हमारे पास L1 है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ L1, L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 600, L2 की 700, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की आ जाएगी हमारे पास 28, ठीक है ना, C की वैल्यू क्या आ जाएगी 104, ये जो लिखा हुआ है 100 जस्ट बिलो वाली, ठीक है, और हमको कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे अपने फार्मूला के अंदर तो हमारा आंसर आ जाएगा Q3 का, Q3 किसके इक्वल बन जाएगा, 600 प्लस जी देखिए 3n/4 जो हमने इधर सॉल्व किया, इसको डायरेक्ट ले लेते हैं 112.5 माइनस सी की वैल्यू हमने क्या ली 104 डिवाइड बाय एफ, एफ हमारे पास कितना है 28 मल्टीप्लाई बाय दोनों का डिफरेंस जो है 600 और 700 का, जैसे सभी का है 100, ठीक है, L2 माइनस L1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 112.5 माइनस 104 डिवाइड बाई 28 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा 600 जमा 30.35। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q3 की वैल्यू आ जाएगी 630.35। ठीक है दोस्तों,
ये हमारे पास क्यू थ्री की वैल्यू आ गई, पहले क्यू वन की आ गई थी और हमने पीछे क्या किया था, मीडियन का वैल्यू जो आया था। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कौन सा, बॉयले का, ठीक है, स्क्यूनेस ऑफ बॉयले। इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, क्यू थ्री माइनस क्यू वन टू टाइम्स मीडियन डिवाइड बाय क्यू थ्री माइनस क्यू वन। ठीक है दोस्तों, क्यू थ्री हमारे पास कहाँ आया, 630.35 माइनस क्यू वन, क्यू वन हमारे पास कितना आया था, 347.5, ठीक है, माइनस करना है टू टाइम्स मीडियन, मीडियन हमारे पास कितना आया, 503.33, 503.33, ठीक है, और इस सभी को डिवाइड कर देना है क्यू थ्री, क्यू थ्री हमारे पास 630.35 माइनस क्यू वन, क्यू वन हमारे इधर ही लिखा हुआ है 347.5। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या आंसर आता है, 630.35 माइनस 347.5, ये हमारे पास आंसर आ गया 282.85। तो ऊपर भी हमारे पास इतना ही आ जाएगा, 282.85 माइनस टू टाइम्स इसको, 2 × 503.33, ये हमारा आ गया 1006.66। ठीक है, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 282.85 माइनस 1006.66, ठीक है, माइनस डिवाइड गए 282.85, ठीक है, हमारा आंसर जो आ गया कहीं पे गलती हुई है, ओह सॉरी, यहाँ पे प्लस आना है दोस्तों, ठीक है, 630.35 प्लस 347, 630.35 प्लस 347.5, ये हमारा गया 977, ठीक है, और इसमें से माइनस करना है 1006.66, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 28.81 डिवाइड बाई 282.85। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 282.85 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 0.1018। ठीक है दोस्तों, जी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि स्क्यूनेस का है, बॉयलेज कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस के बेस्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस कर लेना, ये थोड़ी सी मेरे को गलती लग गई थी, ठीक है, हाँ जहाँ पे तो माइनस ही है लेकिन ये दोनों प्लस के हैं, उसके बाद ये दो माइनस होना है जो टू टाइम्स मीडियन था ना। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।